नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुड़की जिले के प्रीत विहार वार्ड से जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी के जश्न में पहुंचे झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का उनके समर्थकों ने कुर्ता फाड़कर जोरदार डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक की काफी फजीहत हो रही है। गढ़वाली गीत पर विधायक के प्रतिनिधि सतीश शर्मा ने उनके कुर्ते को ही फाड़ दिया। गौरतलब है कि रुड़की नगर निगम की पार्षद प्रत्याशी हेमा बिष्ट का जैसे ही चुनावी परिणाम सामने आया, उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने गढ़वाली गीतों पर जमकर डांस किया। इसी दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल अचानक वहां पहुंच गए, जिसके बाद कार्यकर्ता जीत में इतने उत्साहित थे कि उन्होंने विधायक का कुर्ता तक फाड़ डाला। विधायक देशराज कर्णवाल का कहना है कि कार्यकर्ताओं को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। जश्न मनाना अलग बात है, लेकिन ऐसा जिसने भी किया गलत है। वो अति उत्साह में हमारे प्रतिनिधि और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, चूंकि 14 नंबर वार्ड जो प्रीत बिहार है, वहां से हेमा बिष्ट जो पर्वतीय मूल की महिला है, और मैंने ये सिद्ध किया है 400 वोट पर्वतीय मूल के हैं, 4900 वोट मैदानी मूल के हैं। चूंकि मैं गैरसैन जाकर के मैंने ये सिद्ध किया था कि झबरेड़ा और गैरसैन में कोई फर्क नहीं है, हम उत्तराखंडी हैं, चाहे वो झबरेड़ा के निवासी हो और चाहे वो गैरसैन के निवासी हो। और पर्वतीय मूल की महिला हेमा बिष्ट को जिता करके 400 वोट है केवल उस वार्ड में, तो ये सिद्ध किया है कि हम उत्तराखंडी हैं, ना कोई पहाड़ का है ना कोई मैदान का, हम उत्तराखंड के हैं। और उस अति उत्साह में उन्होंने मेरे कपड़े, जिस तरह से होली दीपावली त्योहारों पर अति उत्साह में लोग कपड़े फाड़ देते हैं, वो इसलिए मेरा कुर्ता फाड़ दिया मेरे प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ये कोई अति उत्साह वाली बात है,